भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बर्थडे आने वाला है और ये बर्थडे इस बार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी पवन सिंह शूटिंग ही करते नजर आएंगे, लेकिन खास इसलिए है कि पवन सिंह के बर्थडे को खास स्पेशल इस बार कोई और नहीं उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह बनाएंगी। आपको तो याद ही होगा जब अक्षरा सिंह उनकी लाइफ में हुआ करती थी तो पवन सिंह के लिए सरप्राइज पार्टी थ्रो किया करती थी। अब अक्षरा सिंह से उनका ब्रेकअप हो चुका है और उनकी लाइफ से जब से वो आउट हुई है, पवन सिंह के पर्सनल और प्रोफेशनल हर सेलिब्रेशन को ज्योति सिंह बड़े ही बखूबी से हैंडल करती हैं। तो चलिए इस बार भी जान लेते हैं कि ज्योति सिंह की क्या तैयारियां होंगी पवन सिंह के बर्थडे पर। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे आता है और 5 जनवरी को ही पवन सिंह के फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका होता है अपने बॉस पवन सिंह को खुश करने का। आपको बता दें कि पवन सिंह के फैंस पवन सिंह को प्यार से बॉस बुलाते हैं। हर साल पवन सिंह अपने बर्थडे के दिन शूटिंग करते हैं और इस साल भी अपनी फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग वो रांची में कर रहे हैं और रांची में ही उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन भी होगा। यहाँ पर ज्योति सिंह उनके लिए एक पार्टी थ्रो करने वाली है क्रैक फाइटर के यूनिट मेंबर को और साथ ही साथ पवन सिंह के कुछ करीबी दोस्तों को भी वो बुलाएंगी और इस दिन पवन सिंह से मिलने वालों का तांता बहुत ही लगने वाला है। तो शायद शूटिंग बीच में ही रोक के पवन सिंह को अपने फैंस के साथ साथ अपने उन करीबियों से भी मिलना पड़े जिनसे वो हर साल अपने बर्थडे के दिन मिलते आ रहे हैं। खैर इस साल वो रांची में है तो हो सकता है कि अपनी माँ के पास भी जाए, क्योंकि कभी कभी वो अपने शूटिंग के सिलसिले में बर्थडे पर माँ से मिल नहीं पाते हैं। लेकिन रांची और बिहार में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है अपनी माँ से मिलना और उनका आशीर्वाद लेना पवन सिंह न भूले। आपको बता दे कि पवन सिंह के लिए उनका बर्थडे कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होता है। जिस तरह से उनका हर ऑर्डिनरी दिन होता है उसी तरह से उनका बर्थडे का दिन भी ऑर्डिनरी होता है। लेकिन आपको ये यहाँ बता दे कि पवन सिंह अब ऑर्डिनरी तो नहीं रह गए हैं, आम से कुछ ज्यादा ही खास हो चुके हैं। उनके फैंस और उनके करीबी उनका बर्थडे मनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वैसे तो पवन सिंह को पार्टियों से थोड़ा एतराज है, लेकिन अपने फैंस और फैमिली मेंबर यहाँ तक कि अपने कुछ करीबी खास मित्रों के लिए वो इसे इंजॉय भी करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और सालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।